नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं ए एन टी नेशनल। यहां पे टोल पे खड़े हैं हम हिसार दिल्ली टोल पर, और देख रहे हैं आप बिल्कुल मेरे साथ में जो यहां पे लंगर गए, जितने भी बॉर्डर से लोग आ रहे हैं या फिर यहां पे धरने पर बैठे हैं पिछले 10 दिनों से, 25 से लेकर आज तक यहां पे जो धरना जारी है किसानों का। और एक बार फिर से दिखा देते हैं, लंगर की सेवा लग रही है जहाँ पे लोग आ रहे हैं और लंगर में जो भी अपनी आहुति रहती है प्रसाद के रूप में वो दान कर रहे हैं। जानते हैं कितने लोग रेगुलेशन किस प्रकार से यहाँ पे लंगर चलाया जा रहा है, किसकी सेवा है? यहाँ शक्ति बरादरी का लंगर है, किसान भाइयों का चलाया हुआ लंगर है। इसमें कोई जाति पाति का सवाल नहीं। जो किसान भाई हमारे दिल्ली आंदोलन पे जा रहे हैं या वहाँ से कोई आ रहा है, उनके लिए हमने ये लंगर चलाया हुआ है। ये लंगर जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती, दिल्ली पर जीत होएगी किसानों की, उसके बाद भी ये चलेगा। जब तक हमारी जो किसान है दिल्ली से वापस नहीं आ जाते, ऐसे ही ये लंगर चलता रहेगा। कोई कमी नहीं है यहाँ। यहाँ सारे भाइयों का सहयोग है, गांव जो साथ के गांव हैं उनसे बहुत कुछ आ रहा है। दूध आ रहा है, लस्सी आ रही है, किन्नू आ रहे हैं, फ्रूट आ रहा है, और बेसन आ रहा है, चीनी आ रही है, पत्ती आ रही है, और चाय का लंगर चल रहा है, पकौड़ों का लंगर चल रहा है। यहाँ एक महंत है हमारे खड़ गांव के, उन महंत की तरफ से अकेले ने ही यहाँ जलेबी, देसी घी की जलेबी का लंगर चलाया हुआ है। वो भी लंगर ऐसे ही चलेगा और लंगर को बढ़ाया जाएगा। जब तक हमारी जीत नहीं होती हमारे किसानों की, हम मोर्चे से नहीं हटेंगे। ऐसे ही मोर्चा जारी रहेगा हमारा, और दिल्ली वाली सभी जब संगत यहाँ जीत के आ जाएगी, सबको यहाँ खाना खिलाया जाएगा, उसके बाद ही हम ये अपने बर्तन उठा के ले जाएंगे। ये लंगर तब समाप्त होगा, उस तक जब तक ये भंडारा ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, तब तक ये चलता रहेगा जब तक दिल्ली जीतकर किसान वापस अपने घरों के लिए रवाना नहीं होते, तब तक उनका ये आंदोलन रहेगा। और आए दिन यहाँ पे धरने पे जो रहते हैं, दो लोगों को अनशन पर बैठाए जाते हैं। आज के अनशन में जान लेते हैं कितने लोग बैठे और कब से इनका ये अनशन जारी है। कुलदीप खड़ है, युवा जिला अध्यक्ष। कितने दिन से आप लोग यहाँ बैठे हैं? हम 25 तारीख से लगातार, जिस दिन से टोल फ्री किया था उसी दिन से लगातार बैठे हैं। लगातार बैठे हैं, तो अनशन को आज कौन सा दिन है? अनशन का आज चौथा दिन है। चौथा दिन है, तो कितने लोग यहाँ पे, कितने लोग अनशन पे बैठते हैं हर दिन? लोग बैठते हैं, दो लोग बैठते हैं। आज कौन कौन बैठा है? आज हमारे श्री महाराज है सत्रगिरी जी, और भाई दिवेश जग्गाबाड़ा सैनी। तो अभी अभी क्या मान के चल रहे हैं, दिल्ली जो बातचीत चल रही है उसमें क्या मान के चल रहे हैं, क्या सफल हो पाएंगे किसान इस आंदोलन के थ्रू? किसान बिल्कुल सफल हो पाएंगे, चाहे कितने भी दिन लग जाए। लगे रहोगे, डटे रहोगे जब तक? डटे रहेंगे, लगे रहेंगे। आप भी यहीं बैठे रहोगे? हाँ, यहीं बैठे रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या नाम है सर आपका? सुमेर सिंह। इस यहाँ पे समिति में क्या उदा रख रहे हैं अभी हाल फिलहाल? मैं तो जी राघव खाप का प्रधान हूँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसान भी हैं आप, तो इस तरीके सरकार की बेरुखी पर क्या कहेंगे? ये सरकार बड़ी निर्दयी सरकार है जो किसानों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही है, और सरकार की षटधर्मिता से देश का भी और किसानों का भी बड़ा भारी नुकसान होता जा रहा है। और सरकार यदि नहीं चेती तो इससे देश की, पूरे देश में भी, दूसरे देशों में भी, दुनिया के स्तर पर बदनामी होती जा रही है। नरेंद्र मोदी पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसमें करोड़ों की संख्या में किसान इस आंदोलन में शामिल है, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से और कॉरपोरेट का बहुत पक्का दलाल होने की वजह से वो अब तक भी किसानों की इन मांगों को नहीं मान रहा। ये एक इतिहास में एक मिसाल होगी कि कोई इतना, मतलब अहंकारी प्रधानमंत्री भी भारत में हुआ है, जो इतना बड़ा आंदोलन जो इतिहास में आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा आंदोलन, इतना डिसिप्लिन से शांतिपूर्ण आंदोलन, और किसान सारी जायज मांगे हैं, बावजूद इसके भी सरकार उनको घुमा रही है, बार बार भिन्न भिन्न तरह के, मतलब उनके आंदोलन को तोड़ने के हथकंडे अपना रही है और किसानों की सुन नहीं रही है। उनको कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी कह देती है केवल पंजाब के हैं, कभी कह देती है केवल हरियाणा के हैं,
भिन्न भिन्न तरह से मतलब बरगलाने की कोशिश कर। विक्रांत गोयत है, आम आदमी पार्टी से नेता भी गए और देख रहे हैं धरने पर लगातार अपनी सेवाएं देते हुए आ रहे हैं, यहीं रहते गए, लगभग हमूमम धरने पर ही मिलेंगे आपको, टोल पर ही रहते हैं किसानों के साथ, इनसे भी जान लेते गए। जो संगठन मंत्री इनको हरियाणा का बना दिया गया है और आज भी ये यहीं गए इसके बाद भी। विक्रांत जी आप क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? आंदोलन तो ये है जी कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे तो ये जो धरने हैं ये खत्म नहीं होंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। और जो मैं एक बात कहना चाहूँगा मोदी जी से कि जो ये कह रहा है इसने जो 500 रुपए जो किसान को डाल के इतना बड़ा इसने प्रोपगेंडा रचा और इतना फिल्मी स्टाइल में उसको पेश किया गया न्यूज चैनलों के माध्यम से, तो आप देखिए कि 500 रुपए में एक घर का भी चूल्हा नहीं चलता दो टाइम का। और आप अब ये देखिए लंगर लगे हुए हैं, कितने ही लोग आगे खाए, तो किसान का तो बहुत बड़ा दिल है, इसको ये नहीं पता कि 500 रुपए की तो तेरी औकात नहीं है किसान को भला करने की। तो ये जो मोदी और अडानी अंबानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका टाइम आ चुका है। कहीं ना कहीं फूट गिरो राज की नीति भाजपा सरकार कर रही है, मान के चल रहे हैं तो जी वो तो मैं बता, SYL का मुद्दा विपक्ष ने यहाँ पे जो पक्ष था भाजपा ने इसलिए छेड़ा इसी टोल पर। भाई साहब ये लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है, ये बताइए पंजाब में जमीन की सहायक सरकार थी, हरियाणा में इनकी सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, तो ये तो मुद्दा ही नहीं है, तो भाईचारा खराब ये तो है ही, भाईचारा खराब करने की इनकी नीति यही है, फूट डालो राज करो। ये तो अंग्रेजी शासन काल के जो बचे हुए काले अंग्रेज है वो लोग है, इनकी तो नीति ये है, ये देश हित के लोग नहीं है, ये तो झूठे वो, ये तो देशभक्त नहीं है, चौकीदार है, ये सच में चौकीदार है, चौकीदार ये कंपनी का चौकीदार है, देश का नहीं है। ये जो भ्रष्ट जो लोग है ना उनके जो उन्होंने जो काला धन इकट्ठा कर रखा है उनका चौकीदार है, ये चोर आदमी है। तो अभी आप लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, हर दिन आप यहाँ रहते हैं, तो कब तक आप यहाँ पे ये धरना कब तक शुरू रहेगा? हाँ जी जनाब नमस्कार, ये धरना तो अभी लंगर जब से शुरू हुआ है मैं तब से आना शुरू हुआ हूँ, मैं यहीं से लोकल हूँ सातवास से। ये लड़की 4 घंटे से लगातार बगैर कोई बाथरूम जाए बगैर बैठे ज्यादा नहीं यहाँ लस्सी की सेवा कर रही है सुबह की। इस ढंग से हम इतने इन लोगों से प्रभावित हैं कि हमारा दिल भर आता है इनकी सेवा देखते हुए। ये तो हमारे को पंजाब वालों ने सोए को जगा दिया, जो लंगर की सेवा दे रहे हैं, हमारे जैसों को तो पता था, बाकी हमारी जो नई जनरेशन है, हम तो संयुक्त पंजाब में पैदा हुए थे इसलिए पता था, हमारी नई जनरेशन भी ज्वादन मतलब इन संस्कारों को इन सामाजिक बातों को देख के काफ़ी प्रभावित है, अपने लिए ज्वादन एक नया करिश्मा मान लिया। और बाकी जो सेवा के लिए दूध आ रहा है लस्सी आ रही है या अपने चाहिए मिठाई उतर रही है कोई भी वस्तु, हमें ज्वादन मतलब यहाँ ब्रेड को छोड़ के जो पकौड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब्जी तक ज्वादन हमारे यहाँ लोकल एरिया हमारी सहायता कर रहा है। जैसे स्टॉल के चारों तरफ से कुछ सौदा सात पास से आ जाता है, बाकी खरड़ गांव से मैयड़ गांव और अपना आगे न्याणा गांव मिर्जापुर तक द्वारा नहीं, ये लोग हमारे को कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ औरतें हैं, ये जो सेवाएं दे रही है लगातार पिछले 4 घंटे से बादस्तूर सेवारत हैं, देख रहे हैं कैसे खड़े गए बिना किसी उसके और अपनी सेवाएं दे रही है। अच्छी सेवाएं दे रही है यहाँ पे? हाँ जी, कब से जब से ये चालू हुई है सेवा तब से कर रहे हैं लगातार, जब से आए हैं 2-3 घंटे से हम भी देख रहे हैं आप ऐसे ही खड़े हैं, थकान महसूस नहीं हो रही? नहीं, कोई थकान नहीं। कितने लोगों की टीम है आप लोगों की? हमारे सारे कई भाई बंधु आए हुए हैं इकट्ठे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम हिसार से। हिसार से हैं तो सेवा के लिए ही आए हैं? हाँ जी। रेगुलर यहीं रहते हैं या फिर जाते भी हैं वापस घर अपने? नहीं, शाम को रात को अपने घर जाते हैं। अप एंड डाउन कर रहे हैं? हाँ जी। देखिए बीबी जी हैं, ये महिला एक है, ये एक लंबा टाइम यहाँ पे रहते हैं, सुबह आती है शाम को आती है, आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे। क्या नाम आपका? नरेंद्र दामा जी। नरेंद्र, क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? आंदोलन के बारे में ये कहेंगे कि आंदोलन हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है और आंदोलन हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो गौ माता है, जो सरकार ने एक बार मुद्दा उठाया था, वो रोडों के ऊपर सांड वगैरह गौ माता हमारी घूमती रहती है, सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर इंडिया है, अरब कंट्रीज में उधर मीट जाता है। तो ये बताओ, मैं भी उधर कतर गया था, दुबई गया था घूम के आया हूँ,
पाँच सात दिन लगा के आया था, तो मेरे को तो वहाँ एक भी गाय नजर नहीं आई। और जहाँ भी मैं खाना खाने गया उसी होटल के अंदर उसी रेस्टोरेंट के अंदर बीफ मिलता है, उनकी स्पेशल डिश बीफ लिखा हुआ था। तो परेशानी मेरे को बहुत हुई खाने की भी, और यहाँ भी हमारी फसलें खा जाते हैं हमारा पशु, रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं हमारा पशु से। तो इनके लिए जब्ता किया जाए, इनके लिए गौशालाएं और बढ़ाई जाए, या फिर उनके अंदर बंदोबस्त किया जाए। ऐसे नहीं कि भाई यहाँ से इनकी कमाई होती है रातों रात, उनको लोड करते हैं दिल्ली में और दिल्ली के अंदर पैकिंग करके और फ्लाइट के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है मीट। इंडिया का सबसे बड़ा नंबर वन पे है बीफ एक्सपोर्टिंग में। और हमारा किसान आंदोलन में ये कहना है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए, ये तीनों कानून बनाए हैं जो, ये बिल्कुल जीरो करे जाए, रद्द करे जाए, और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए, डीजल के दाम कम से कम करे जाए, और जो कीटनाशकों पे MRP आता है वो MRP बहुत ज़्यादा लिखा होता है, और हालांकि वो चीज़ें बहुत कम में मिलती है, बार्गेनिंग करने के बाद और भी कम मिल जाती है। उनके ऊपर कोई फिक्स MRP हो, जैसे किसी चीज़ के ऊपर 5500 लिखा हुआ है, वो ड्राम आता है 2200 रुपये का, वो ड्राम कोई किसान ला रहा है 3000 का, कोई ला रहा है 1500 में, कोई ला रहा है 3500 में, मतलब ठगा जा रहा है किसान हर एक तरफ से। ये काम मेरे को नहीं पता भाई सरकार करती है या बीच में जो अपने ट्रेडर हैं वो करते हैं, प्रिंट तो जो कंपनी है वही लिखती है ना उसके ऊपर, और ऊपर से डुप्लीकेट कंपनियां इतनी है इन कीटनाशकों की, चाहे वो वुमन की दवाई हो या एनिमल्स की मेडिसिन हो। कहीं ना कहीं कहने का मतलब है, पहले तो तीन बिल और अभी जैसे MRP के रेट पे, मतलब किसानों को कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है, सभी जगह से ठगा जा रहा है हमारे को। हमारा है ना जो KCC कृषि कार्ड का जो मतलब लोन है वो माफ, कर्जा माफ किया जाए किसान का A to Z। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आते ही 1600 करोड़ रुपए माफ कर दिए थे, और ये इनके देख लो नीरव मोदी है, ए राजा है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला गया था 1,75,000 करोड़ का, हो हुड्डा ने तो 1600 रुपए में कर्जा माफ कर दिया था किसान का, और ये कितना कितना गबन करके यहाँ से फरार हो गए। विजय माल्या है कितने करोड़ों रुपए लेके फरार हो गया। तो ये किसानों का कर्जा माफ करने में, स्वामीनाथन लागू करने में इनको इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? रातों रात इनने कमरे में बैठ के कानून बना दिए, कल को ये कानून भी बना देगा कि भाई आगे से वोटिंग नहीं होगी, आगे से तो है ना मोदी प्रधानमंत्री परमानेंट रहेगा, ये कानून भी ले आएगा कल को, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता क्या? ये बताओ, मतलब पूरी जनता को दाब के रखना चाहता है क्या? अंबानी है, बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, गूगल का मालिक अलग है, अमेजन का मालिक अलग है, वो चैरिटी के अंदर दान के अंदर कितने रुपए देते हैं उनका ये सोच लो, 1% रुपए वो खुद के खर्च के लिए रखते हैं और 99% दान करते हैं। तो ये अंबानी आपका दिमाग कितने पैसे उसे भरना चाहता है? ये 100 रुपए भी दान नहीं करता, जब से इसके पास पैसे हुए ना इसने 100 रुपए भी दान नहीं करे। क्यों? भूखा था, भूखे घर से था, तो इसको पैसों का बहुत सारा लालच है, भाई पूरा पेट भरना चाहिए मेरा पैसों से। नीरव मोदी है, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी में फर्क क्या है भाई? तो उसको पकड़ना, उसका सारा पैसा वापिस ला, और किसानों का भला कर, हर एक नागरिक का भला कर। ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस इंडिया शुड बी वेरी सुखी। और बताओ क्या पूछेंगे आप? तो देखिए काफ़ी दर्द है, इन्होंने जैसा कि कहा काफ़ी मुद्दों पे भी बात की, और रही बात जैसे यहाँ पे बैठे हैं टोल तब तक फ्री रहेगा जब तक ये आंदोलन चलेगा, जैसे टिकरी बॉर्डर से आंदोलन जीत कर किसान आते हैं यहाँ पे, तो उनका यहाँ पे एक भव्य स्वागत इन लोकल किसानों के द्वारा किया जाएगा। आप देखते रहिए ANT नेशनल, मैं अनुराग सिंह, आप देखते रहिए ANT नेशनल, खबर वही जो हो सही।